वीडियो में हम रेडिएटर जो इंजन को ठंडा रखने का काम करती है उसमें अगर गंदगी बैठ जाए तो हमारी गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। रेडिएटर के गंदे होने से हमारी गाड़ी के एसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एसी के कॉइल क्लीनर से आप रेडिएटर को कैसे क्लीन कर सकते हैं। रेडिएटर को क्लीन करने का प्रोसेस मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। इससे पहले कार एसी के वीडियो सीरीज में मैं रेडिएटर को क्लीन करने का प्रोसेस ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो स्पेशली रेडिएटर के ऊपर है। उसमें मेरा कंडेंसर मेन टॉपिक था, लेकिन इस वीडियो का मेन टॉपिक हमारा रेडिएटर है। दोस्तों ये हमारा गाड़ी का रेडिएटर है, आप देख सकते हैं कितना गंदा हो चुका है। जब रेडिएटर के फिन में काफ़ी गंदा बैठ जाता है तो इंजन हमारा ओवरहीट होता है, और ओवरहीट के कारण से हमारे गाड़ी के अंदर जितना भी फ्लूइड है, कूलेंट, इंजन ऑयल, फ्यूल और जितना भी फ्लूइड है हमारी गाड़ी में, वो सब फ्लूइड का वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमारा धीरे धीरे कूलेंट, इंजन ऑयल वगैरह कम होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों ये हमारा कॉइल क्लीनर है, इसी से हम रेडिएटर को क्लीन करेंगे। इस केमिकल का यूज एसी के पार्ट्स, कंडेंसर, कूलिंग कॉइल वगैरह को क्लीन करने के लिए किया जाता है, लेकिन अब इस केमिकल से रेडिएटर या फिर टर्बो को भी बाहर से क्लीन कर सकते हैं। मार्केट में ये केमिकल हमें 100 से 120 रुपए में मिल जाता है। अब देख सकते हैं हम रेडिएटर में सबसे पहले केमिकल मारेंगे। दोस्तों 1.5 लीटर पानी में हमें 1/2 लीटर इस केमिकल का यूज़ करना है। अगर हम केमिकल का ओवर यूज़ करते हैं तो हमारा जो रेडिएटर का फिन है वो डैमेज हो सकता है, इसलिए हमें प्रॉपर क्वांटिटी में केमिकल और पानी का रेशियो को मिक्स करना है। अगर ओवर यूज़ करेंगे तो हमारा फिन डैमेज हो सकता है, या फिर अब जो पार्ट्स कंडेंसर को अगर सफ़ा करते हैं इस केमिकल से तो वो भी डैमेज हो सकता है। अगर आप काफ़ी लंबे समय के लिए ओवर हीटिंग के साथ अपने गाड़ी चलाते हैं, दोस्तों हीटिंग का प्रॉब्लम कुछ कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी होता है कि आपका गाड़ी का डैशबोर्ड पे शो नहीं करता है कि आपका गाड़ी हीट हो रहा है, लेकिन आपका गाड़ी असल में हीट हो रहा होता है। उस कंडीशन में अगर आप इसको लंबे समय के लिए इग्नोर कर देते हैं तो आपका इंजन में बहुत सारा काम निकल के आ जाएगा। उसके अलावा हमारा इंजन को बनाने में अल्मीनियम का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और अल्मीनियम पर हीट का असर ज़्यादा होता है, इसीलिए हीट के कारण अल्मीनियम हमारा फैलना शुरू कर देता है और इंजन के साइलेंडर्स के शेप में बदलाव आना शुरू हो जाता है। नतीजा ये होता है कि हमारा इंजन का हेड गास्केट वगैरह फट जाता है, जिससे हमारा इंजन ऑयल लीक करने लगता है, इंजन ऑयल ज़्यादा तेजी के साथ कम होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा साइलेंडर्स के फैल जाने से इंजन हमारा पावर और प्रेशर को लूज कर देता है, जिसका असर हमें फ्यूल इकोनॉमी पे भी देखने को मिलता है। दोस्तों इंजन ओवरहीट बहुत सारे कारणों से हो सकता है, जैसे कूलिंग सिस्टम का लीक हो जाना, रेडिएटर में कूलेंट का क्वांटिटी कम जाना, थर्मोस्टेट और वाटर पंप का फेलियर होना, कूलेंट का पाइप का अंदर से जाम हो जाना, रेडिएटर फैन के खराब होने से भी हमारा इंजन ओवरहीट होता है, और जब रेडिएटर के फिन में काफ़ी ज़्यादा गंदगी बैठ जाता है तो भी हमारा इंजन ओवरहीट होता है, इसलिए हमें रेडिएटर को बाहर से क्लीन करना होता है। तो बाहर से हम केमिकल दे रहे हैं, बाहर से अच्छे से केमिकल देने के बाद हम पानी से इसको अच्छे से क्लीन करेंगे तो हमारा जो हीटिंग का प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा। रेडिएटर के फिन में जब गंदा बैठ जाता है तो हवा का फ्लो ठीक से नहीं हो पाता है, जिससे रेडिएटर हमारा हीट को, इंजन के हीट को एक्सचेंज नहीं कर पाता और इंजन हमारा ओवरहीट होता है। दोस्तों रेडिएटर के सामने हमारा कंडेंसर होता है, जिसे मैं केमिकल दे रहा हूँ, ये हमारा एसी का कंडेंसर है। इसका काम कंप्रेसर से आने वाला गर्म गैस को ये ठंडा करने का काम करता है। जब रेडिएटर के फिन में गंदा बैठ जाता है तो हवा का फ्लो ठीक से नहीं हो पाता है, जिससे हमारा रेडिएटर फैन रेडिएटर और कंडेंसर के हीट को खींच नहीं पाता है, जिससे हमारा रेडिएटर और कंडेंसर दोनों ओवरहीट होता है। और जब कंडेंसर ओवरहीट होता है तो हमारा जो एसी कंप्रेसर से जो गर्म गैस हमारा इस कंडेंसर में आता है वो ठीक से ठंडा नहीं हो पाता है, और एसी को जितना ठंडा देना चाहिए उतना ठंडा हमारा एसी नहीं देता। हमारा एसी तो काम करता है लेकिन पूरी सलाहियत के साथ काम नहीं कर पाता। हमारे कार एसी के वीडियो सीरीज में मैंने कार एसी में आने वाले हर एक प्रॉब्लम्स को डिटेल में डिस्कस किया है, आप हमारे चैनल को विजिट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। अभी ये हमारा प्रेशर मशीन है, इसी प्रेशर मशीन के हेल्प से हम रेडिएटर और कंडेंसर को क्लीन करेंगे। तो ये दोस्तों पानी है, ये पानी को मशीन खींचता और प्रेशर बनाता है। तो सबसे पहले हम रेडिएटर को क्लीन करेंगे और फिर हम कंडेंसर को क्लीन करेंगे। दोस्तों ये तो हमारा रेडिएटर का बाहर से क्लीनिंग हो गया, और ऐसा भी होता है कि हमारा रेडिएटर में का अंदर में हमारा कुछ कंकर वगैरह जम जाता है, जिससे हमारा रेडिएटर चौक हो जाता है। जब चौक हो जाता है, अंदर से जाम होता है, तो भी हमारा गाड़ी ओवरहीट होता है। तो इस चीज़ को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसका भी मैं आपको बताता हूँ। जब रेडिएटर अंदर से जाम हो जाता है तो हमारा जो कूलेंट है वो लीक होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि रेडिएटर अंदर से जाम हो चुका है और कूलेंट को कहीं नहीं गए तो जाना है, इसलिए हमारा कूलेंट कहीं से भी रास्ता बना लेता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा हॉस पाइप फट जाता है, और कभी कभी हमारा जो रेडिएटर का पैकिंग को भी लीक कर देता है, जब हमारा रेडिएटर चौक्ड हो जाता है तो।
और कभी कभी हमारा एल्बो भी लीक हो जाता है, तो कहीं से भी आपका लीक हो जाएगा जब भी हमारा रेडिएटर अंदर से चोक्ड होगा। तो दूसरा ये कि रेडिएटर हमारा अंदर से अगर चोक्ड होगा, जाम होगा, उस कंडीशन में भी हमारा इंजन ओवरहीट होगा, क्योंकि रेडिएटर हमारा इंजन के कूलेंट को ठंडा करने का काम करता है, और जब कूलेंट ठंडा होता है तो हमारा इंजन ठंडा होता है। तीसरा ये कि जो हमारा रेडिएटर का ऊपर का जो होस पाइप होता है, वो जब गाड़ी रनिंग होता है तो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है हमारा ऊपर का जो होस पाइप होता है, और नीचे का जो हमारा जो होस पाइप होता है रेडिएटर का, वो थोड़ा गर्म होता है। अगर आपका नीचे का होस पाइप अगर ठंडा कंडीशन में मिला, अगर हल्का गर्म से एकदम ठंडा कर नॉर्मल कंडीशन में मिला, जैसे वो गर्म है ही नहीं एकदम नॉर्मल कंडीशन में, उस कंडीशन में आप समझ जाए कि आपका जो रेडिएटर है वो जाम हो चुका है। अगर आपका वो नीचे का होस पाइप अगर हल्का गर्म है, हल्का गर्म उसको होना चाहिए, अगर हल्का गर्म है तो आपका जो रेडिएटर है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, अगर हल्का गर्म नहीं है एकदम नॉर्मल है तो आप समझ जाए आपका जो रेडिएटर है वो चोक्ड है। चौथा ये है कि अगर हमारा रेडिएटर अंदर से चोक्ड होगा तो जो हमारा गाड़ी का हीटर है जो गर्म हवा देता है वो ठीक से काम नहीं करेगा। आपको गाड़ी को स्टार्ट करके हीटर को ऑन करके देखना है, अगर आपका जो गाड़ी गर्म हवा नहीं दे रहा, नॉर्मल हवा दे रहा हीटर मोड में, तो उस कंडीशन में आपका रेडिएटर अंदर से जाम है। तो ये है कुछ निशानी जिसके मदद से आप पता कर सकते हैं कि आपका रेडिएटर अंदर से चोक्ड है या नहीं। दोस्तों मैंने इस वीडियो में रेडिएटर को अंदर से क्लीन करने का प्रोसेस बताया था, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये थी पूरी वीडियो। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हुआ तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद।